सब मुसलमान जो 18 साल के हो गए हैं उन सब के लिए वाजिब है, वाजिब और जरूरी है कि वो अपना वोटर कार्ड बनाए। वोटर कार्ड बनाना वाजिब है शरीयत की तरफ से। सुन लो, जिस तरह तुम वितर की 3 रकात वाजिब पढ़ते हो, ऐसे ही वोटर कार्ड बनाना तुम्हारे लिए वाजिब है। नहीं बनाते हो तो गुनहगार हो गए, नहीं बनाते हो तो गुनहगार हो गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक वोटर कार्ड की लिस्ट में शामिल नहीं है। 3,36,00,000 लोगों के नाम अभी वोटर कार्ड की लिस्ट में नहीं आए हैं। और 2014 में 83 करोड़ से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट में थे, उनके नाम 83 करोड़ से ज्यादा। लेकिन जब वोट डालने का मौका आया तो उस वक्त 55 करोड़ लोग वोट डाले हैं। 83 लोगों के नाम है 83 करोड़ के, और वोट डाल रहे हैं 55 करोड़ के लोग। इतने बाकी के इतने करोड़ के लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? कितनी हिमाकत की बात है। 55 करोड़ लोग डाले का मतलब यह हुआ कि अभी 45% के करीब, यानी आधा हिंदुस्तान वोट डालने से पीछे हट रहा है। और जानते भी हो कि वोट की हैसियत क्या है। उलमा ने लिखा है वोट अमानत है, वोट एक वादा है, वोट एक जिहाद है, वोट एक हथियार है। इसे हर मौके पर हर मुल्क में इस्तेमाल करने की लाजमी ताकत और कुव्वत है, खास तौर से जमहूरी मुल्क में। वोट की वजह से इन्हीं वोटों से कोई हुक्मरान बनता है, इन्हीं वोटों की वजह से कोई अपनी कुर्सी से गिरता है, और जो बनता है वो कीमतें बढ़ाता है, वो जुल्म करता है, फिर कवारियत और फितने फसाद मचाता है, और ये हवाओं को उड़ने की प्लानिंग बनाता है। ये सारे के सारे तुम्हारे वोटों की वजह से है। और तुम बोलते हो कि मेरे एक वोट डालने से क्या होगा, मेरे एक वोट डालने से क्या होगा। तुम्हारे एक से ही घर चल रहा है, तुम्हारे एक से ही तुम्हारा मोहल्ला परेशान है, तुम्हारे एक से ही तुम्हारी दुकान चल रही है, तुम्हारे एक से तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारी बीवी पल रही है, तुम्हारी बीवी बच्चों को 4-4 आदमी मिलकर पाल रहे हैं। फिर ये कैसी सोच है कि मेरे एक से क्या होगा। एक की भी बड़ी हैसियत होती है, एक की भी बड़ी हैसियत होती है। नहीं देखते कि अगर क्रिकेट में 1 रन कम हो गया तो टीम हार जाती है, तब पता चलता है कि 1 रन की क्या कीमत थी, 1 रन की क्या हैसियत होती है। 1 रुपया तुम्हारे पैसे में से कम हो गया 1000 में से, तो 999 होंगे, उसे 1000 नहीं कहा जाएगा। एक की बड़ी कीमत होती है। और अब इतना मजमा बैठा है, बोले मेरे एक के वोट से क्या होगा, मेरे एक के वोट से क्या होगा, मेरे, अरे मेरे एक के बोल के ही करोड़ों लोग नहीं डाल रहे हैं। जैसे वो बादशाह ने बोला था कि भाई सबको कल टैंकी में दूध ला के डालना है, दूध ला के जमा करना है, तो लोग बोले सब दूध ला के डालेंगे, मेरे एक के पानी डालने से क्या होगा, सब दूध ला के डालेंगे, मेरे एक के पानी डाल के डालने से क्या होगा। अरे सुबह उठ के देखे तो पानी पानी था, कोई दूध नहीं डाला, क्योंकि सब यही सोच रहे थे सब दूध डालेंगे, मेरे एक के पानी डालने से क्या होगा। ये हिमाकत है। इस वास्ते अगर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किए, वोटर कार्ड वोटर लिस्ट बनाना जरूरी है। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद की आयतों से मुतालिक जो बयान फरमाया है, वाइतु लहुम मस्ततातु मिन कुवा, जितनी हो सकती उतनी कोशिश करो, तैयारी करो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए तैयारी, चाहे वर्जिश के जरिए से हो ये तैयारी, चाहे किसी भी आलात के जरिए से हो तैयारी, चाहे कलम के जरिए से, जबान के जरिए से, ओट के जरिए से, जिस जमाने में दुश्मन से लड़ने की जो तैयारी हो सकती है वो सारी की सारी तैयारियां वाइदु लहुम मस्ततातु मिन कुवा में दाखिल है। और जमहूरी मुल्क में ओट सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर उलमा ने लिखा है तुम्हारे ओट से कोई नेक बंदा हाकिम बना, एक इतना तो याद रखो, कोई सरकार तुम्हारी खैरखा नहीं है, कोई तुम्हारा दामाद या साला नहीं है, तुम्हारे हक में कोई सरकार खैरखा नहीं है। हाँ, कोई बड़ा है जालिम, कोई छोटा है जालिम, है लेकिन जालिम, जुल्म करने वाले हैं, लेकिन कोई बड़ा जुल्म करेगा, कोई छोटा जुल्म करेगा। और अकलमंदी यह है कि बड़े जालिम के मुकाबले में छोटे जालिम से हाथ मिला लिया जाए। और तारीख और सीरत में अल्लाह के नबी के वाकयात मिलते हैं कि अल्लाह के नबी दुश्मनों के भी हलीफ बने हुए थे, उनसे वादा किया हुआ था हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम हमसे मत लड़ो, ये अपनी बचाव की तदबीरें थी। इस वास्ते वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाना और वोट डालना वाजिब जिम्मेदारी है। और याद रखें, बहुत से बंदों को मालूम नहीं रहता वोट कैसे, वोटर लिस्ट में नाम कैसे चढ़ाना, कार्ड कैसे बनाना, तो इस वास्ते जो जानते हैं वो अपना कैंप लगाएं,
और महल्ले में इसका चर्चा करें और तशहीर करके कई लोगों का वोटर लिस्ट बनाएं, वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाएं। ये सब लोग अगर वोटर लिस्ट बना लेंगे, एक वाजिब अदा करने की जिम्मेदारी का जो सवाब इन्हें मिलेगा, ये मदद करने वाले तआवुन करने वालों को भी वो सवाब मिलेगा। और वोट के बाद जो हाकिम अगर थोड़ा भी इंसाफ करने वाला आ जाएगा, उसके इंसाफ के फैसलों से जो खैर आलम में और मुल्क में फैलेगा, उस खैर में ये वोट डालने वाला एक एक फर्द भी शामिल रहेगा। इस वास्ते वोट कर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाना और वोटर आईडी बनाना ये जरूरी है और डालना भी जरूरी है। अलबत्ता किसको डालें?